लोहरदगा जिले में एक बार फिर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई, जहां इलाज के अभाव में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। सदर अस्पताल लोहरदगा की ओर से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का लगातार दावा किया जाता है, लेकिन अधिकतर मरीज को रिम्स रेफर कर दिया जाता है। वहीं रिम्स ले जाने के क्रम में अधिकतर मरीज दम तोड़ देते हैं। इसी का ताजा मामला सामने आया है, जहाँ एक गर्भवती महिला की रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। महिला 3 माह की गर्भवती थी। महिला की पहचान सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाघा गांव के राकेश महली की 22 वर्षीय पत्नी राखी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राकेश महली अपनी 3 माह की गर्भवती पत्नी को पेट में दर्द होने की वजह से सदर अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे थे। वहीं इलाज के दौरान महिला को 1 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में ही महिला की मौत हो गई। इस अस्पताल की जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ हर दिन 10 में से 6 मरीज की हालत खराब होने के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया जाता है, और रिम्स ले जाने के क्रम में कई मरीज दम तोड़ देते हैं। मेरा बीबी को 3 महीना से थी, और उसको कल रात से 1:30 बजे के आसपास से पेट में दर्द होने लगा और उल्टी होने लगी। इसके वजह से हमको लोहरदगा सदर अस्पताल ले आए बीबी को। इसके बाद हुआ कि उनको मैडम बोल रही है कि खून का कमी है, तो फिर 1 यूनिट ब्लड चढ़ाए, और ब्लड चढ़ाने के बाद कुछ देर के बाद मैडम बोल रहे हैं कि नहीं, कि उनको रेफर करना पड़ेगा बोले। उसके बाद हम 108 नंबर फ़ोन किए तो एम्बुलेंस यहीं पर लगी हुई थी। एम्बुलेंस आई और बीबी ठीक थी, बात उठ कर भी रही थी। बस गाड़ी में चढ़ाए बीबी को, ले जा रहे थे तो बस भंडा के आसपास उनका आवाज़ भी बंद हो गया और बिल्कुल शांत हो गया। अब क्या बोले, यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पे तो बीबी बोल रही थी, बात भी की हमसे, और बोल रही कि पेट खुला हुआ है, ऐसा बोली। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जाते जाते किसी का जान चला जाए। इसकी स्थिति तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि मेरा 3 बजे से ड्यूटी है। कुछ अभी पेशेंट आया है जो एक्सपायर कर दिया, एम्बुलेंस से भेजा गया था, रेफर किया गया था, और रास्ते में ही उनका जो है डेथ हो गया। फिर बैक टू रिटर्न टू सदर हॉस्पिटल लाया है। अच्छा तो है, अभी तो हम देख नहीं पाए हैं उसको, है ना। इलाज के समय में दूसरे डॉक्टर साहब होंगे, वही बता सकते हैं कि क्या इलाज हुआ नहीं हुआ। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।